में लिखी हुई है, जैसे हर सेल होता है उसकी एक इक्वेशन होती है, रिएक्शन सेल की जो है ना, तो वो याद कर दिया आपको। और क्योंकि अगर पेपर नहीं, पेपर में अगर आएगा कि आप जो है सेल के बारे में लिखे, तो आपको सेल रिएक्शन तो मेन ही होता है, वो तो लिखना ही लिखना है, उसके बिना जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर सेल के लिए होती है, जैसे एनोड की रिएक्शन होती है, कैथोड की होती है, फिर ओवरऑल होती है। नोट्स में लिखी हुई है, थियोरेटिकल पोर्शन है, एक बार जस्ट रीड कर लेना। और पेज नंबर 31 पे लिखा हुआ ये, जो उनके पास नोट्स है, 31 नंबर पेज है अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। वहाँ पे ड्राई सेल की भी इक्वेशंस लिखी हुई है और मर्क्यूरी सेल की भी लिखी हुई है। अच्छा, मर्क्यूरी सेल में ना एक सवाल है, देखो वायवा का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा। इक्वेशन लिखता हूँ एक बारी मर्क्यूरी सेल की मैं, क्योंकि वहां से एक सवाल आता है और वो सवाल बताता हूँ क्या आता है। आप जब मर्क्यूरी सेल की देखोगे इक्वेशंस, तो इक्वेशंस कुछ ऐसी है। एनोड की मैं लिखता हूँ पहले, ये लिखा हुआ है अपना जिंक। तो बच्चे आ रहे हैं, हाँ मैंने लगाया हुआ यार, अमलगम मालूम है क्या आप लोगों को क्या होता है? हाँ वो जो है, मरकरी के साथ अगर कोई भी कंपाउंड बनाता है उसको प्यार से जो है अमलगम बुला देते हैं हम लोग। तो जिंक अमलगम है, एनोड पे हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ पे बन रहा है अपना जिंक ऑक्साइड। ये मरकरी सेल की बात हो रही है, इक्वेशन सिर्फ मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक सवाल आता है। अदरवाइज आपने क्या करना है, नोट्स में लिखी हुई है इक्वेशन सारी, सेल की, एनोड की, कैथोड की और ओवरऑल, आपको वो याद करनी है। अगेन देखो, जो पेपर आता है बोर्डिंग में उसमें चॉइस होती है, या तो आप ये थियोरेटिकल क्वेश्चन करो, या फिर आपके इसके चॉइस में न्यूमेरिकल होता है नेस्ट इक्वेशन का, तो वो आप वो भी कर सकते हो। अब जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल है आप वो करें। कैथोड पे अपना ये रिएक्शन है HGO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस HG प्लस। और जिन बच्चों की फीस नहीं आई है कृपया करके फीस जो है वो पे करें अपना, आज 7 तारीख हो गया। तो ये एनोड और कैथोड की इक्वेशन है इस सेल के लिए। अभी देखो इसकी ओवरऑल लिखते हैं इक्वेशन, और ओवरऑल इक्वेशन लिखने के बाद मैं कुछ सवाल जवाब करता हूँ, उसको देखेंगे जरा। बोर्ड में भी आता है वो सवाल और वाइवा में तो पूछता ही है टीचर। अगर वाइवा में क्या होता है, आपसे पूछेगा टीचर की 2 चैप्टर आप बता दो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, 2 या 3 चैप्टर तो आप बता सकते हो। उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भूल के भी नाम मत लेना, वरना बड़ा ही पछताओगे। वो सीधा ही आपसे सेल की इक्वेशंस लिखवाने पे आ जाएगा टीचर, तो मत बोलना। और इतने हम परफेक्ट वो बोल सकते हो एक बार को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर हैं जो बोलने हैं वाइवा के लिए। अगर टीचर ना पूछे ना आपसे, तो आप खुद से बोल देना कि हमें ये वाले चैप्टर जो है उनमें ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप उनसे पूछिए। और टीचर आपको गुमराह करने की कोशिश भी करेगा कि अब तो जो है पेपर आने वाले हैं बोर्ड के, सारा पढ़ ही लिया होगा। हाँ तो बोलो, पढ़ तो सारा ही लिया है, बट जो अच्छे से तैयार कराए वाइवा के लिए वो ये वाले चैप्टर हैं, तो फिर वो उन्हीं में से पूछता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्साइड आयन से 2 हाइड्रोक्साइड आयन कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें इसकी, तो ये बन गई ओवरऑल जिंक अमलगम प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड और इधर जिंक ऑक्साइड और इधर HG। तो सबसे पहला ये सवाल है कि जो अपना ये मर्क्यूरी सेल है, क्या इसकी जो सेल रिएक्शन है जो मैंने लिखी है, ओवरऑल रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं, क्या इसके अंदर किसी आयन की इन्वॉल्वमेंट है? देखो फिर रिपीट करता हूँ,
सवाल मेरा ये है, क्या ऑक्साइड आयन नहीं है ना महाराज इसके अंदर? आप डिसोसिएट करोगे तो अलग बात है, वैसे नहीं है इन्वॉल्वमेंट। सवाल ये था, अगर मैं पूछूं कि अपनी जो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, क्या इसके अंदर किसी आयन की इन्वॉल्वमेंट है? तो यहाँ देखोगे कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है आपका। जैसे आप कॉपर वाले सेल में देखते हैं तो वहां पे Cu2+ होता है या Zn2+ होता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है। तो एक इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसकी ना वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, मतलब या तो जैसे 1.5 वोल्ट का ये सेल आता है इसका, मर्क्यूरी का, हियरिंग एड के अंदर यूज करते हैं और रिस्ट वॉचेस के अंदर भी यूज करते हैं, तो या तो 1.5 मिलता है हमें या 0 मिलता है, इनके बीच का कुछ नहीं मिलता। तो इसकी ये एडवांटेज है कि इसकी जो सेल वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है, या तो आपको पूरी वोल्टेज मिलेगी या कुछ नहीं मिलेगा। अब सवाल टीचर यही करता है कि इसकी वोल्टेज जो है वो टाइम के साथ कम क्यों नहीं होती? तो उसका देखो, एक तो आप सीधा सीधा आंसर बोल सकते हो कि जो इसकी सेल रिएक्शन है उसके अंदर किसी भी आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है। जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वो आयन्स की चेंज होती है, आयन्स की कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से आपका जो नर्स्ट इक्वेशन है उस पर पंगा पड़ता है। आप एक तो सीधा ये बोल सकते हो कि आयन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये भी करेक्ट है, और दूसरा जो तरीका है आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे, आप इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिख दो एक बारी, टीचर का दिल खुश हो जाएगा। आप क्या कहोगे, इसका जो ई सेल होगा वो अपना होगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके दो थे यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहे थे, और साथ में अपना लॉग। यहाँ देखो कोई भी आयन नहीं है, जो अपना आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है। तो अगर आप इसका केस ही देखोगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट में भी वन आएगा रिएक्टेंट में भी वन आएगा, तो अगर आप वन और वन करोगे यहाँ पे तो लॉग वन आ जाता है, लॉग वन जो है अपना वो 0 हो जाता है। तो अगर 0 हो गया अपना, ये चीज 0 हो गई तो ये चीज 0 है, तो ये जो पूरी टर्म है ये 0 हो जाएगी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मोमेंट पे जो ई सेल है वो ई नॉट सेल के इक्वल होता है, यानी जिसकी वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहती है। इस चीज से इसको फर्क पड़ता ही नहीं, कंसंट्रेशन से फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि इसके अंदर आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। होता आयंस का इन्वॉल्वमेंट तो वो एक्वस स्टेट में होते हैं, उसके बाद उनकी कंसंट्रेशन लेनी पड़ती है और फिर जो है पंगे आते हैं। अभी यहाँ पे नहीं है, तो जो अपने पास प्रेजेंट है या तो वो सॉलिड स्टेट में है या प्योर अपने लिक्विड है, जैसे मरकरी अपना प्योर लिक्विड है, जिंक ऑक्साइड अपना सॉलिड है, मरक्यूरिक ऑक्साइड वो भी सॉलिड है, अमलगम अपना लिक्विड है, तो उससे जो है पंगा नहीं आता। तो सीधा सीधा ये तो ये बोल दो कि आयन्स इन्वॉल्व नहीं है, वरना आप ये भी बता सकते हो, और ये वायवा के लिए है अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हो तो, बाकी नहीं बोलते हो तो सेफ हो आप, और ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं आपके पास। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था यहाँ पे। अभी क्या है, हम लोग थोड़ा सा सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ते हैं, मतलब वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज है मेन, तो बाकी सेल रिएक्शन जो है आपको एज इट इज छाप के आनी है। मैंने बताया आपको जो सेकेंडरी सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनको आप चार्ज कर सकते हो, जैसे अपना लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी आती है, या कई अपने पेंसिल सेल भी आते हैं ऐसे जो चार्जेबल होते हैं, मोबाइल की बैटरी हो गई वो भी अपना जो है सेकेंडरी के अंदर आता है। तो ऐसे सेल जिनको आप चार्ज कर सकते हो वो होते हैं सेकेंडरी, जो अपने यूज एंड थ्रो होते हैं वो होते हैं अपने प्राइमरी। तो सेकेंडरी के देखते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है अपने सिलेबस के अंदर, और फिर कुछ करते हैं अंतिम बातें। हाँ बिल्कुल बाजी, ड्यूरासेल लो, बस खत्म है आज, आज खत्म है। तो तुम लोग एक काम करना ना, मेरे से जो तुम्हारा पेपर है ना सॉल्यूशन का, तो यार कल कल क्लास ले लो, बट सुबह ही लेनी पड़ेगी देखो, क्योंकि सुबह का टाइम है मेरे पास अगर बोलो तो। सुबह जो बोलोगे तो 10 बजे हो जाएगा,
उससे जल्दी भी हो जाएगा बोलोगे तो 9 बजे भी है अपने पास, 9 बजे 10 बजे देख के मुझे बता दे, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इसके बाद देखो अपन लोग बात करते थोड़ा सा सेकेंडरी की, तो वही वही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ हाँ तो देखो सेकेंडरी में जो अपना पहला है सिलेबस के अंदर वो है लेड स्टोरेज बैटरी। सबसे पहले तो लेड स्टोरेज बैटरी यूज कहाँ होती है मालूम है क्या आप लोगों को? हाँ भाई मालूम है कहाँ होती है यूज? देखो जो अपना इन्वर्टर होता है उसके अंदर जो बैटरी है, हाँ वो लेड स्टोरेज होती है। बाइक होती है, बाइक के अंदर बैटरी है, गाड़ी के अंदर बैटरी है, सारे की सारी जो है वो लेड स्टोरेज बैटरी है अपने पास। लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर आपने देखा होगा लोग पानी डालते हैं, तो वो पानी नहीं होता है उसके अंदर जो है वो H2SO4 का सॉल्यूशन डलता है, मार्केट से खरीद के लाना पड़ता है अलग से। ऐसा नहीं कि टूटी का पानी डाल दिया उसके अंदर तो वो खराब हो जाती है बैटरी, और जो वो सॉल्यूशन डलता है उसकी कॉम्पोजिशन इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो ये वाइवा में ही पूछता है टीचर, पेपर में नहीं आएगा आपके। उसमें 38% होता है आपका W/W H2SO4 जो मिलता है ना बैटरी में डालने के लिए पानी, मार्केट के अंदर आपने देखा होगा बैटरी वाले की दुकान पे रखी रहती है बॉटल्स, वो 38% आपका H2SO4 सॉल्यूशन होता है W/W वाटर के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, बाकी इसकी एप्लीकेशंस इम्पोर्टेंट है। मास बाय मास भूल गए? हाँ वही एक ही बात है यार। तो इसमें देखो जो सवाल है वो यही आएगा कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आप बता ही दोगे, और इसके इक्वेशंस हैं भगवान बचाए उनसे, नोट्स में देख लेना। और सेकेंडरी में बताओ पंगा क्या आता है, वाइवा में बोल तो दो लेकिन पंगा ये होता है सेकेंडरी जो है वो चार्ज भी हो सकती है, तो चार्जिंग की इक्वेशन अलग होती है पूरी की पूरी और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन अलग होती है। तो आपको क्या है टोटल मिला के 4 इक्वेशन याद करनी पड़ेंगी, 2 चार्जिंग की बनेंगी एनोड कैथोड की, 2 डिस्चार्जिंग की बनेंगी एनोड कैथोड की, फिर उनको कंबाइन करोगे तो टोटल मिला के 6 इक्वेशन हो जाती है किसी भी सेल के लिए। तो अगर आप में है इतनी कैपेबिलिटी कि टीचर बोले और आप 6 तुरंत ही छाप दो तो बहुत ही बढ़िया है, आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देन बोल सकते हो। अदरवाइज एक बार ही बोर्ड में पता है क्वेश्चन क्या आया था, अभी बताता हूँ आपको, 3 नंबर में इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था उन्होंने बोर्ड वालों ने, वो भी देखते थोड़ा ये सेल खत्म हो जाए। शुभम भैया बड़ी जल्दी आ गए, मौज कर दी यार तुमने। तो इसकी एप्लीकेशन इम्पोर्टेंट है लेड स्टोरेज की, कि इन्वर्टर वगैरह में यूज होती है ये, गाड़ी वगैरह में यूज होती है। देन एक और है अपने पास निकल कैडमियम बैटरी। निकल कैडमियम जो है वो भी अपनी कैसी है, सेकेंडरी है। लेड स्टोरेज है वो भी अपनी सेकेंडरी है, और निकल कैडमियम जो है लेड स्टोरेज से बढ़िया है। सेकेंड जो अपनी वो निकिल कैडमियम है, निकिल और कैडमियम की जो बैटरी आती है वो लेड स्टोरेज वाली से बहुत बढ़िया है, मतलब काफी बढ़िया है। टीचर सवाल ये करता है कि अगर ये बढ़िया है तो हम इसको यूज क्यों नहीं करते कार वगैरह में? आप जितने भी देखोगे 90% कारों के अंदर लेड स्टोरेज मिलेगी, बाइकों के अंदर लेड स्टोरेज मिलेगी, इन्वर्टर पे हर इन्वर्टर के अंदर लेड स्टोरेज मिलेगी। और सवाल ये उठता है जब निकल कैडमियम बैटरी लेड स्टोरेज से बढ़िया है परफॉर्मेंस के मामले में, तो निकल कैडमियम को यूज करा क्यों नहीं जाता? क्या लगता है क्या रीजन होगा इस चीज का? हाँ बात वही है देखो कि जब अपना 5 रुपए में काम चल रहा है तो उसी चीज के लिए 10 रुपए क्यों खर्च करेंगे भाई? लेड स्टोरेज जो है ना वो काफी सस्ती है, और उसके जो ये H2SO4 है ये आपको हर जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती।
निकल अकेडमी में कुछ इश्यू हो गया तो उसकी इतनी सर्विस भी नहीं है, आपको स्पेसिफिक जो है वो बंदा चाहिए जो निकल कैडमियम की बैटरी उसको देखता हो, क्या उसमें फॉल्ट आ रही है उसको डिटेक्ट करता हो। और निकल कैडमियम अपने आप में महंगे एलिमेंट है तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है बैटरी, इसलिए जो है इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। हाँ शौक है किसी को तो बात अलग है, भाई वो लगा सकता है, मार्केट में मिलती है निकल कैडमियम बैटरी भी, ऐसी बात नहीं है। और इससे भी जो टॉक्सिक तो सारे ही होते हैं, डी ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी उठा लो, मोस्टली जो है वो टॉक्सिक ही होते हैं, कैंसर कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो टॉक्सिक तो ये लेड भी होता है, ये कौन सा शरीफ होता है, लेड बल्कि ज्यादा टॉक्सिक है। और निकिल कैडमियम ये भी टॉक्सिक है, सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ये, और डी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट उठा लो मोस्टली जो है वो टॉक्सिक होते हैं, कहीं ना कहीं वो काम गड़बड़ करते हैं बॉडी के अंदर जाने के बाद। एक लिथियम आयन बैटरी भी आती है बट वो अपने सिलेबस में नहीं है, खैर वैसे ही बात कर लेते हैं। लिथियम आयन इन दोनों से ही बढ़िया होती है और साइज भी छोटा होता है उसका, मतलब पावर ज्यादा और छोटा साइज, बट सवाल ये है फिर उसको क्यों नहीं यूज करते कार वगैरह में। वो और भी ज्यादा जो है महंगी आती है अपनी, आप ये समझना मोबाइल में जो है वो जरा सी आती है इतनी सी, वही अपनी 3-4 हजार की बैटरी आ जाती है अगर आप ओरिजिनल लेते हो तो काफी महंगी है लिथियम आयन। मैंने बताया था आपको एक एस्टिमेट, रिवोल्ट बाइक है आप लोगों ने देखी होगी, इलेक्ट्रिक बाइक है, उसकी सिर्फ बैटरी बैटरी 50 हजार की है, बाइक है 1.5 लाख की, उसमें से 50 हजार सिर्फ बैटरी के हैं, कि अगर आपकी कभी भी बैटरी खराब हो जाती है तो सीधा 50 हजार का जो आपको फटका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी है उसके अंदर, छोटी सी बैटरी है। पर वो टेक्नोलॉजी भी तो है ना यार, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी, तुम्हारी स्कूटी जो है पेट्रोल पे चलती है, तो वो फ्यूचर है बोल सकते हो, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक ही रहेगा सब कुछ, धीरे धीरे जो है शिफ्ट करते जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज है जो शिफ्ट कर रही है। अमेरिका में जैसे सुना ही होगा टेस्ला चलती है और वहां पे चार्जिंग स्टेशन भी है, और इंडिया में भी एक कार है प्रीमियम एसयूवी है कोई सी इलेक्ट्रिक, नाम पता नहीं मेरे को बट है एसयूवी इलेक्ट्रिक, हाँ होगी, नाम नहीं पता मेरे को बट है इंडियन मार्केट में भी ना। उनका अभी दिक्कत यही है कि जो इलेक्ट्रिक अपनी चीजें हैं इनकी सर्विस नहीं है, मतलब हम ले तो ले कल को कोई दिक्कत आ गई ना तो इसके मिस्त्री मिलेगा कोई, ना इसके कई पार्ट मिलेंगे, तो दिक्कत ही दिक्कत है, अभी टाइम लगेगा इंडिया में जो है ना इसको आने में इकोनॉमी को। और जो इलेक्ट्रिक है ना मतलब वो फील देते नहीं, तो जैसे आप एक नॉर्मल व्हीकल चलाते हो, ये है मेरे फ्रेंड के पास है रिवोल्ट तो चलाई हुई है, तो उसमें मतलब फील आता ही नहीं कि आप जो है व्हीकल चला रहे हो, पेट्रोल वाली बात अलग ही होती है, बिजली वाली बात ऐसी होती है। अरे आवाज से क्या लेना यार, तुम्हें फील आना चाहिए ना, इंजन का कोई साउंड नहीं है उसके अंदर, फालतू स्पीकर लगा हुआ है, मतलब आपको फील नहीं आएगा, ई रिक्शे वाली फीलिंग आएगी इसको चला के रिवॉल्ट को, तो जो है वापस आते हैं अपना लास्ट टॉपिक है इसका फ्यूल सेल। फ्यूल सेल सबसे बढ़िया लेकिन उतना ही कम यूज करा जाता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ साइंटिस्ट लोग यूज करते हैं इसको फ्यूल सेल को। फ्यूल सेल क्या होते हैं कि आप अपना वो लेते हो, कोई भी आप बोलो फ्यूल लो, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया या मिथेन हो गया, कोई भी फ्यूल हो सकता है आपका, फ्यूल उसका आप करवाते हो कंबशन, और ये कुछ खास बात है फ्यूल सेल की, कंबशन करवाते हैं, तो कंबशन करवाने के बाद एक तो हमें मिलता है वर्क, मतलब वही बात है उससे हमें तो वर्क ही तो पावर ही तो लेनी है, तो हम उससे वर्क करवाएंगे, वर्क मिलता है उससे, और साथ में ना कोई वेस्ट नहीं मिलता, नो वेस्ट प्रोडक्ट, ये बड़ी खास बात है इसकी। जैसे आप कोई भी सेल देखोगे
जो नॉर्मल सेल होते हैं ना अपने, कितने कोई भी सेल लगा लो, अपना ये पेंसिल सेल हो गया, मरकरी सेल हो गया, अपना लेड स्टोरेज हो गया, या फिर अपने निकल कैडमियम हो गई, इनकी जो एफिशिएंसी है कहीं ना कहीं वो 30 से 40% के बीच ही चलती है इन बैटरियों की। मतलब अगर आप 100 रुपये का इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो तो जो काम का इलेक्ट्रोलाइट है वो 30 या 40 रुपये का ही है, बाकी इलेक्ट्रोलाइट बेकार जाने वाला है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्शन ही ऐसी है या क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी हैं, आप सेल की वर्किंग ऐसी है कि उस चीज का हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन फ्यूल सेल के पास क्या है, इसकी जो एफिशिएंसी है ना वो जाती है 70 से 75%। मतलब सबसे ज्यादा एफिशिएंट अगर कोई सेल है पूरे वर्ल्ड के अंदर तो वो होते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल की खास बात क्या है, कंबशन जब होता है इनका तो वर्क तो हमें मिलता है, मतलब करंट चाहिए, आपको कोई अप्लाइंस को यूज करना है तो वो तो काम करेगा ही, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता कि मतलब जो एनवायरनमेंट को हार्म करे। तो ऐसा ही एक फ्यूल सेल है जिसका यूज किया गया था अपोलो मार्स मिशन में। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बोर्ड के अंदर। देखो अब क्वेश्चन बताता हूँ क्या आता है, 3 नंबर का देखना, बड़ा ही सिंपल सा सवाल आएगा आपको। बोलेगा कि टीवी का रिमोट है, आप कौन सा सेल यूज करोगे उसके अंदर, बताओगे मेरे को एक बार, टीवी के रिमोट में कौन से टाइप का सेल यूज करते हैं आप? प्राइमरी, प्राइमरी में भी अपना, हाँ प्राइमरी ठीक है, उसके बाद आप बोल दोगे उसमें एल्कलाइन ड्राई सेल, उसका नाम है स्पेसिफिक आप, या पेंसिल सेल बोल सकते हो। फिर आपसे पूछेगा वो कि हियरिंग एड में कौन सा सेल यूज करोगे आप, और मरा सेकेंडरी नहीं करते प्राइमरी करते हैं, मरकरी सेल। हाँ अभी तो बताया वो मरकरी वाला जो है वो स्पेसिफिक होता है हियरिंग एड के लिए और रिस्ट वॉचेस के लिए, दो ही जगह यूज होता है वो ज्यादातर। और उसके बाद वो पूछता है कि कार के अंदर कौन सा सेल यूज होता है, कार बैटरी के अंदर, तो सिंपल है लेड स्टोरेज। हाँ सेकेंडरी और लेड स्टोरेज आप बता दोगे। देन पूछा था उसने अपोलो मार्स मिशन में कौन सा सेल यूज हुआ था, तो जो है अपना वो फ्यूल सेल। 3 नंबर का सवाल था ये, एक बार ही आया था। किस वो फ्यूल सेल ही है, एक ही बार यूज किया गया था अभी तक। वैसे तो नॉर्मल करते ही हैं, हाइड्रोजन को यूज करवाते हैं, जब वो उसको लॉन्च करते हैं ना रॉकेट को तो थ्रस्ट चाहिए होता है बहुत ज्यादा, तो थ्रस्ट बनाने के लिए हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करवाते हैं उस टाइम पे, बट नॉर्मली जो है वो नहीं यूज करते फ्यूल सेल को। हिस्ट्री में एक बार यूज किया गया अभी तक स्पेस मिशन में, क्योंकि अभी देखेंगे इसके ना साथ पंगे हैं बहुत सारे फ्यूल सेल के साथ इसको यूज करने में। मतलब ये नुकसान नहीं है इसको कोई इन्वायरमेंट से, वो बहुत बढ़िया बात है, बट इसको बनाने में और इसको यूज करवाने में वही बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। तो जो अपने सिलेबस के अंदर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसका फ्यूल सेल है, जिसका सिर्फ अभी तक एक बार यूज हुआ है स्पेस मिशन के अंदर, और वो स्पेस मिशन का नाम था अपोलो मार्स मिशन। तो आपको याद रखना है, पेपर में बड़ा ही फेमस है। उसमें होता क्या है ना, फ्यूल सेल का देखो मैं बताता हूँ पंगा कितना तगड़ा होता है। जो अपना ऑक्सीजन है और जो अपना हाइड्रोजन है वो इंजेक्ट होते हैं, उनसे वाटर बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। वाटर जो है उसका ट्रिपलेट पॉइंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। ट्रिपलेट पॉइंट अगर किसी ने पढ़ा हो तो टेम्परेचर प्रेशर, इन दोनों की कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे आपकी तीनों स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपको वाटर भी मिलता है, बर्फ भी मिलती है और वेपर भी मिलते हैं। तो ये टेम्परेचर और वो प्रेशर मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो सबसे बड़ा टास्क तो इसके अंदर यही होता है कि हर टाइम आपको ट्रिपलेट पॉइंट मेंटेन करके रखना है, तब जाके फ्यूल सेल काम करता है। अभी तो ये सिंपल सा फ्यूल सेल है जो अपना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन,
जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्स करते जाओगे तो उसका जो यूज करने का तरीका है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अभी फायदे की बात करते हैं, ये तो इसके डिसएडवांटेज में आता है कि फ्यूल सेल है तो बढ़िया। अब हाँ वो तो देखना पड़ेगा आपको कितने मोल पे कितना होता है। जैसे जैसे आप चेंज करते हो ना अपनी क्वांटिटी, स्पेसिफिक हीट वगैरह का फंडा लगता है वहां पे, तो ना इसका ग्राफ भी बनता है। खैर अपने काम का है नहीं, वो जो थर्मोडाइनमिक्स पढ़ते हैं आगे जाके उनके काम की बातें हैं। ट्रिपलेट पॉइंट अपना तो यही है, सॉलिड गैस लिक्विड फ्रीजिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले देखो इसकी जो एडवांटेज है, बोलो। नहीं, बताए तो कंडीशन ही होनी चाहिए बस कि फ्यूल दे रहे हो आप, कंबशन हो रहा है, आप उसे वर्क करवा रहे हो और साथ में कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं मिल रहा आपको और जो एनवायरनमेंट को हार्म कर रहा हो। और जो अपना फ्यूल सेल है भी ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, इसमें जो मिलता है ना बाय प्रोडक्ट वो मिलता है H2O, और वो H2O ड्रिंक किया जा सकता है। इनफैक्ट जो साइंटिस्ट गए थे मिशन पे उन्होंने उसी H2O को ड्रिंक किया था, तो कोई इसका वेस्ट प्रोडक्ट है ही नहीं। जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो भी अपना कंज्यूमेबल है, और ऐसा नहीं बेकार है, भी बढ़िया। सबसे पहले देखो इसकी एडवांटेज है एफिशिएंसी। सारे सेलों के अंदर सबसे ज्यादा जो एफिशिएंट है वो अपने फ्यूल सेल होते हैं, 70 से 75% तक जो इनकी एफिशिएंसी आती है आइडियल केस में। फ्यूल सेल से कोई पोलिया फ्यूल है, बट हाइड्रोजन के साथ पंगा क्या है कि इसकी जो एक्सप्लोजन होता है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मतलब कहीं से लीकेज हो गई अगर इसकी, तो धमाके के साथ साथ हम भी साफ हो जाएंगे, तो इसलिए जो हम इसको यूज नहीं करवाते, या यूज होता भी है तो काफी कंट्रोल्ड कंडीशंस में यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह वहां आप मान सकते हो, अदरवाइज नहीं करवाते। क्योंकि तो दिक्कत अभी अपने पास ऐसे कुछ वो बने नहीं है चैम्बर टाइप जो उसके एक्सप्लोजन को झेल सके, यानी कि हीट को जो है कंट्रोल कर सके इसकी। तो ये हाइड्रोजन के साथ दिक्कत है, ऑक्सीजन तो अपना बेचारा मासूम है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ नहीं करते, नहीं करते, दिक्कत तो वही है ना इसके साथ, कर नहीं करते। आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत है इसके एक्सप्लोजन की। जो इसका एक्सप्लोजन होता है, कभी आप देखो जब इंजन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक्सप्लोजन होता है फ्यूल के द्वारा, और वो जो एक्सप्लोजन होता है ना इसका हाइड्रोजन का, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। मतलब हो सकता है फ्यूचर में कभी हम कंट्रोल कर पाए, बट अभी ऐसे डिवाइस नहीं है अपने पास जो उसको कंट्रोल कर सके, और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो जरा सी उग चूक और गाड़ी के साथ साथ हम भी साफ। ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ किस्सा, पहले भी मैंने, हाँ उसकी बर्निंग वो, हाँ दोनों 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 मतलब इक्वल मिक्सचर जाता है इनका अंदर, उसके बाद वाटर बनता है, ट्रिपलेट पॉइंट मेंटेन होता है। और ये देखने में ऐसा आसान लगता है बहुत, बताने में कि ऐसा बनता है, लेकिन कभी गूगल करना है इसकी फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन तो आपको मालूम चलेगा कितना मुश्किल काम होता है किसी फ्यूल सेल को बनाना और उसको यूज करना, वो उससे भी मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ भी आप H2 यूज कर रहे हो, यहाँ भी जरा सी गड़बड़ हुई और हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाएगा अपना, तो ये प्रॉब्लम है। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, मैं बताता हूँ, खैर मैंने बताया भी हुआ है पहले, बट एक और बारी सुन लो। वेल्डिंग किसी ने देखी हो तो, वेल्डिंग जो है ना वो बहुत टाइप की होती है, उन्हीं में से एक टाइप होता है अपना गैस वेल्डिंग। तो जिन्होंने गैस वेल्डिंग देखी होगी उनको समझ आएगा, वो रिलेट कर पाएंगे, है ना। उसमें जब गैस वेल्डिंग करते हैं दो सिलेंडर होते हैं, एक होता है पापा सिलेंडर ऑक्सीजन वाला, काले रंग का होता है ऑक्सीजन का, एक होता है बेबी सिलेंडर, बेबी सिलेंडर होता है लाल रंग का, इसके अंदर भरा होता है अपना इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड CH। तो दिक्कत क्या होती है, ये जो छोटे वाला सिलेंडर है ये बहुत धमाके का करने वाला होता है,
होता क्या है, इस पे जो इथाइन है वो काफी कंप्रेस करके भरी जाती है, और अगर ये सिलेंडर गिर जाए तो धमाका इतना तेज होता है अपना पूरा 3 माले का जो मकान है वो साफ हो सकता है। ऐसा हाईवे पे हुआ था, मैंने बताया भी था आपको, तो जगह पड़ती है NH 8 पे, ये एक है जगह पड़ती है, चंदवाजी है और अचरोल है, मतलब दो जगह पड़ती है ये। तो वहां पे क्या है, एक इसका ट्रक था, इथाइन आ रही थी उसके अंदर, उस ट्रक में पता नहीं क्या माल फंक्शन हुआ क्या कुछ हुआ, और वहां पे जो है ट्रक फट गया। ट्रक क्या फटा, मतलब इसके सिलेंडर फट गए इथाइन के। आप ये लगा लो, अगर आप इसको 1 मंजिल से भी फेंक दोगे ना नीचे सिलेंडर को, इस वाले को, तो पक्का है विस्फोट जो है वो होगा ही होगा, क्योंकि ये जो गैस है वो हाईली एक्सप्लोजिव अपनी इथाइन। अब जब वो ट्रक फटा तो उसके पीछे 17 गाड़ियां थी, 17 गाड़ियों के अंदर सिर्फ आदमियों के कंकाल थे बैठे हुए, और कुछ नहीं बचा। तो आप इसे समझ सकते हो कितनी खतरनाक होती है गैसेस, और हाइड्रोजन तो इससे भी ज्यादा डेंजर है, क्योंकि इथाइन को तो हम यूज करते हैं लेकिन हाइड्रोजन को नहीं करते, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। अगर उससे कुछ ऊब चूक हुई तो यहाँ तो अभी ये 17 गाड़ियां ही हुई है, और पता नहीं कितनी गाड़ियों को ले धरेगा वो अकेला ही बंदा। तो ये दिक्कत है थोड़ी, कभी हाईवे पे जाओ तो देख लेना, जिस भी ट्रक के अंदर छोटे छोटे सिलेंडर दिख जाए ना उससे दूर ही रहना, फायदा है। तो खैर, तो बात थी ऐसे ही। तो देखो ये इसकी जो डिसएडवांटेज है फ्यूल सेल की वो क्या है, एक तो अपना ट्रिपलेट पॉइंट मेंटेन करना इजी नहीं होता, और दूसरी बात क्या है कि जो इसकी कंस्ट्रक्शंस होती हैं फ्यूल सेल की, वो बोल सकते हो अपने आप में कॉम्प्लेक्स है। आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन को आप यूज करवाते हो, और हाइड्रोजन को जो उसका एक्सप्लोजन होता है उसको कंट्रोल करना वो अपने आप में एक चैलेंज है। देन इसके अंदर कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट बड़ा ही प्यारा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कैटलिस्ट जो है ना, हम लिखने में तो लिख देते हैं, हमारा लिखने में क्या जाता है, बट बहुत ही महंगा मिलता है ये, जब तक इमरजेंसी ना हो इस कैटलिस्ट को यूज नहीं करते। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है कि जो इसके अंदर कैटलिस्ट यूज कर रहे हो आप वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसलिए जो फ्यूल सेल नॉर्मली यूज नहीं किए जाते, बस एक ही बार यूज हुआ है अभी तक, वो भी नाम याद रखना है अपोलो मार्स मिशन के अंदर। एक बार इसकी इक्वेशन और लिख देता हूँ मैं, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है फ्यूल सेल की। सब सेल के अंदर फ्यूल सेल के आने के चांसेस 90% होते हैं, मतलब अगर आपसे थ्योरेटिकल पोर्शन पूछता है वो सेल का, तो आप ये लगा लेना फ्यूल सेल के चांसेस काफी ज्यादा हैं कि आपसे पूछेगा फ्यूल सेल क्या होते हैं, आप फ्यूल सेल का एग्जांपल बताएं और उसकी एडवांटेज बताएं डिसएडवांटेज बताएं। तो फ्यूल सेल के अंदर भी एनोड और कैथोड दोनों मिलेंगे अपने को, तो सिंपल इक्वेशंस है एनोड इसकी। तो यहाँ पे देखो एनोड पे हुआ है क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है बेसिकली, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन गए हैं, एक हाइड्रोक्साइड जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, चार हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो चार इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, देन अपना ये जो है वाटर बना रहे हैं इसके साथ मिलके H2 के साथ। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो ये चार इलेक्ट्रॉन आएंगे अपने चल के और वहां पे रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशन कुछ ऐसी है, इनको आप ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और चार इलेक्ट्रॉन से चार इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा क्लियर। तो इधर 2 है तो ये अपना 2H2 O2 gives us 2H2O, ये फाइनल इक्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ H2O वाली है ये। तो इसको आप याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसकी सेल इक्वेशन के अंदर, क्योंकि तो सिंपल ही है, और आपको हाँ फोकस यार मेरे को बिल्कुल साफ दिख रहा है। और अगर आप एनोड कैथोड भूल भी जाओ तो
तो आपके पास क्या एडवांटेज है, आप ये लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ H2O। क्या यार, इधर स्पीड एकदम बढ़िया जा रही है, 300 400 की, कुछ भी नहीं दिख रहा। यार ये कैसे हो गया, 1 मिनट रुको, मैं स्विच करता हूँ मोबाइल नेटवर्क पे, जरा फिर बताना मेरे को। अभी क्या है, वाईफाई पे चल रहा था ये। अब आया क्या? आया, ब्लर है। एक मिनट रुको रुको यार, बस थोड़ा सा और बचा है, इसको खत्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा बचा है ये। और हो गया, चलो बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा था, इसकी इक्वेशन जो है वो काफी आसान है ये। इसमें एडवांटेज क्या है, अगर आप एनोड कैथोड भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिख दो फॉर्मेशन ऑफ H2O, खत्म काम। तो जो इस पे आपके नंबर नहीं कटेंगे फ्यूल सेल पे, सिंपल इक्वेशन है। और एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने छाप ही देनी है अपने, कि इसकी एडवांटेजेस ये हैं, बाकी नोट्स में लिखा हुआ है सारा, अच्छी अच्छी राइटिंग में, एक बार जो उसको स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत रहती है तो मेरे को बता देना। तो ये सारा था अपना सेल से रिलेटेड जो भी आता है पेपर के अंदर। अगेन अपना प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, प्राइमरी नॉन चार्जेबल है, सेकेंडरी चार्जेबल है, और हर एक सेल की अपनी अपनी एडवांटेजेस है, अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कौन सा बेस्ट है और कौन सा वर्स्ट है, और डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के हिसाब से आप चूज करते हो कि हमें सेल जो है वो कौन सा यूज करना है। इनफैक्ट दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एप्लीकेशन पे ही बेस्ड है। तो जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं आपको इसी चीज का, कि आपको कहीं जाना है तो आपके पास ऑप्शन है ऑटो है, ऑटो हटाओ, बस है अपने पास, बस है अपने पास, रेल है अपने पास, फ्लाइट है, तो क्या लगता है कौन सा ऑप्शन बेस्ट है इन तीनों में से? नहीं ऐसा नहीं है ना, हम देखेंगे अपने पास पैसे कितने हैं, बेस्ट तीनों ही है। अगर भाई पैसे कम है वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, नहीं टीचर आपसे सवाल यही करेगा कि बेस्ट कौन सा है, तो अगर आप ये जवाब दोगे फ्लाइट तो आपको वो सवाल में फंसा देगा फिर। तो आपको वही पूछना है कि अपने पास पैसा कितना है, पैसा कम है हार्ड टाइट है तो बस बहुत बढ़िया है, पैसा थोड़ा सा ज्यादा है तो रेल अपने लिए बढ़िया है, और पैसा बहुत ही ज्यादा है तो फ्लाइट है बढ़िया। ऐसे ही वो बोलते हैं रेल के अंदर स्लीपर क्लास बढ़िया है कि थर्ड चेयर क्लास बढ़िया है, एसी वाला, अगेन डिपेंड करता है पैसा कितना है, ज्यादा पैसा है तो फर्स्ट एसी बढ़िया है, कम पैसा है तो सेकंड एसी, और कम पैसा है तो थर्ड एसी, और भी कम है तो स्लीपर, और उससे भी गए गुजरे हैं तो जनरल कोच है अपना, सेकंड सीटिंग भी है वैसे। चलो कोई तो इसके बाद देखो अपने पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस का, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, किस्मत है तो आएगा वरना नहीं आएगा। मतलब ये 11th का टॉपिक है तो नहीं आता, बट क्योंकि रिलेटेड है तो एक बारी देख लेते हैं आपको उसमें बताना कैसे है। निकुंज भैया कुछ समझ आया आज का, कि गई बाउंसर पूरी की पूरी? हाँ वो आ नहीं रहा होगा ना उसको समझ यार, वो बिल्कुल खत्म ही होने वाला चैप्टर। फिर अच्छा चलो कोई नहीं। इस पे देखो जो है अपना टॉपिक वो है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये 11th में था, 12th में भी रिलेटेबल है तो देख लेते हैं एक बारी। इसमें दो केस आते हैं, एक आता है मोल्टन का, एक आता है एक्वस का।
आपसे बोलेगा कि आपके पास मोल्टन NaCl है और आप उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो, मोल्टन NaCl का, तो बोलेगा उसके प्रोडक्ट बता दो। तो मोल्टन है ना, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना, एनोड पे होगा अपना ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होगा अपना रिडक्शन। तो जो NaCl है, अगर आप उसको तोड़ते हो तो वो बनता है अपना Na+ और अपना बनता है Cl-। तो आप देखो, जो Na+ है वो स्टेबल है, Cl- है वो स्टेबल है अपना। इसके पास अपने 10 और है, इसके पास अपने 18 और है। तो यहाँ पे देखो, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, NaCl है अपने पास मोल्टन स्टेट में, हम उसे करंट पास करवा रहे हैं। तो करंट पास करवाने से क्या होगा, एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट बनेंगे। वो प्रोडक्ट क्या बनेंगे वो आपको बताना है। तो मोल्टन वाले केस में कोई लफड़ाई नहीं है, जैसे अपना सोडियम आयन है तो उससे सोडियम बनेगा, क्लोराइड आयन से आपको क्लोरीन गैस बनानी है। तो अब आप देखो, एनोड पे क्या लिखना चाहिए, सोडियम आयन से सोडियम बनाना है, मतलब इससे मुझे कन्वर्ट करवाना है सोडियम के अंदर। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, यानी मैं इस चीज को लिखूंगा कैथोड पे। क्लोरीन, मेरे पास क्लोराइड आयन है, इससे मुझे जो है वो क्लोरीन गैस बनानी है। तो मुझे दो क्लोराइड आयन लेने पड़ेंगे और उनसे दो इलेक्ट्रॉन जो है मुझे बाहर निकालने पड़ेंगे, तब जाके अपनी क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये लिख देंगे हम एनोड पे, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करवाने की और यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने की। तो ये सेल से उल्टा है थोड़ा सा। तो एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे दो क्लोराइड आयन आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, साथ में जो है Cl2 बना देंगे। तो आप ये बताओगे कि एनोड पे जो है आपकी क्लोरीन गैस रिलीज होगी, यानी एनोड पे आपको क्लोरीन गैस मिलेगी। और कैथोड पे कैसे बताना है आपने, जैसे कि बताया मैंने, सोडियम आयन है, सोडियम आयन होगा अपना कैथोड पे, वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपना बना लेगा वो सोडियम मेटल। तो जो कैथोड है वहां पे सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा और जो एनोड है वहां पे क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी। ये NaCl का ही आता है आपके पेपर में ना, अब पता नहीं क्यों देते हैं वो, जबकि 11th में आ चुका है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जब भी मोल्टन का केस होगा तो यहाँ पे एनोड पे जो आपकी क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगी और कैथोड पे आपका सोडियम मेटल। रामायण समझ आए तो बहुत बढ़िया, नहीं आए तो गोली मारो, अपने को इससे मतलब है क्या प्रोड्यूस होगा। एक नंबर में क्वेश्चन आता है, आप समझने के लिए ऐसे देख सकते हो, मोल्टन में जो आयन्स होते हैं वही प्रोड्यूस होते हैं। तो सोडियम आयन को आपको सोडियम में कन्वर्ट करवाना है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो कहाँ पर रिडक्शन, अपना कैथोड पे। तो इससे क्या मेरे को हिंट मिल गया कि कैथोड पे जो है मैं ये लिखूंगा, तो यानी कैथोड पे मेरा सोडियम मेटल प्रोड्यूस होगा और एनोड पे जो है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो अब एक पता लग गया तो दूसरा तो एनोड पे जाएगा ही अपने आप। तो या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, मुझे क्लोरीन है ना यहाँ पे, तो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करवानी है। तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस कब बनेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो एनोड पे वो लिख दिया। समझ आता है ठीक है, नहीं आता गोली मारो, ये इंपॉर्टेंट है बस कि एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, क्योंकि 11th का टॉपिक है, आ चुका है, नहीं आता 12th के अंदर, अब क्योंकि रिलेटेबल है इसलिए देख लेते हैं बस, बाकी बोर्ड में आपका नहीं आता ये। इसके बाद देखो, तो जो पंगा आता है, हाँ हाँ नहीं, ये रेडॉक्स में था टॉपिक, ये जो टॉपिक है ना ये रेडॉक्स रिएक्शन का है, तो 11th में था, बट ये रिलेटेबल है थोड़ा सा तो इसलिए लिखा हुआ है मैंने, बट ये आता नहीं है आपका बोर्ड के अंदर। तो आपको बस याद होना चाहिए, कभी भूला भटका पूछ ले वो, तो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रो जो केमिस्ट्री है वो रेडॉक्स से काफी ज्यादा रिलेटेड है और ये टॉपिक ही रेडॉक्स का है। तो पढ़ लेते हैं एक बारी, पढ़ने में क्या जाता है, मोल्टन का केस है तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, जो आपके आयन्स हैं वही प्रोड्यूस होंगे,
जिसे सोडियम आयन है तो उससे सोडियम मेटल बन जाएगा, क्लोराइड आयन है तो क्लोरीन गैस बन जाएगी, कल को अपना होता फ्लोराइड आयन तो फ्लोरीन गैस बन जाती, अपना होता ब्रोमाइड आयन तो ब्रोमीन गैस बन जाती। सिंपल है पढ़ाई, एक नंबर में आएगा, आएगा भी तो, क्योंकि 11th में ऑलरेडी आ चुका है। देन एक्वस वाला केस है, उसमें थोड़ा सा पंगा होता है, वो समझने का है। देखो वो लॉजिकल भी है, आपको समझाता हूँ कैसे। वो तो देखो वो क्या कहता है, अगर आप एक्वस कंसीडर करते हो तो एक्वस में बड़ी दिक्कत है। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? अनुपम आवाज आ रही है? मेरे को आवाज नहीं आ रही यार आप लोगों की, ना नहीं आ रही भैया आप लोगों की, नहीं आ रही है मुझे। मैसेज करके बताना मेरी आ रही है क्या, जरा इधर आ रही है तो जरा इधर भेज दो। हाँ चलो ठीक है, तो फिर सुनते रहो आराम से। अब देखो जो एक्वस वाला है उसका देखते हैं केस। तो एक्वस पे देखो क्या है, थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जो अपना वाटर होता है, एक्वस का मतलब NaCl भी होगा और आपके पास H2O भी होगा। तो जब आप करंट पास करवाते हो सॉल्यूशन से, तो जो H2O है ना वो भी कहीं ना कहीं डिसोसिएट हो जाता है थोड़ा सा अपने आयन्स के अंदर, जैसे H+ और OH-, इसमें जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। देखो कैसे, जैसे मैं कैथोड की बात करूं अगर, तो कैथोड पे दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि सोडियम मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन खाए और सोडियम बना ले, तो ये एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आपके पास, कि जो ये H+ है जो कि वाटर से आया है, क्योंकि केस अपना H+ है, तो जो H+ है ये इलेक्ट्रॉन खाए और H2 गैस बना ले। अब सवाल ये है कि दोनों में से कौन जो है वो प्रोसीड करेगा। तो दोनों में क्या होता है, कंपटीशन होता है। सोडियम मेटल कहता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन पहले खाऊंगा, H+ कहता है भाई मैं खाऊंगा इलेक्ट्रॉन पहले। क्लियर नहीं है? एक मिनट जो है आप लोग ज्वाइन ही रहना, और मैं करता हूं। अब आ रही है क्या आवाज? अब क्लियर हो गया होगा ना शायद से। नहीं आ रही आवाज? अब मेरे को आ गई यार तुम्हारी। अब अच्छा माइक्रोफोन म्यूट हो गया, एक मिनट। अब आ रही है क्या आवाज, है ना? हाँ वो माइक्रोफोन, हाँ वो माइक्रोफोन म्यूट हो गया था। चलो कोई नहीं, तो चलो कोई नहीं। देखो सवाल यार, वो फोन आ गया था बीच में ना कंपनी वाले का, वो फोन दिक्कत कर देते हैं यार। कोई नहीं, हम वापस आते हैं अपने सवाल पर। सवाल ये था कि कैथोड पे देखो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर हम एक्वस लेते हैं तो, क्योंकि जो अपना H2O है वो भी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, और H+ और OH- में जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। अब कैथोड पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को खाए या H+ इलेक्ट्रॉन को खाए। सवाल ये उठता है दोनों में से इलेक्ट्रॉन को पहले कौन खाएगा, जो पहले एक्सेप्ट कर लेगा वो वाली रिएक्शन हो जाएगी, दूसरी वाली नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कॉम्पिटिशन चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन एक्सेप्ट करेगा।
आप देखो जो अपना कैथोड है, कैथोड पे होता है रिडक्शन, सीधी सी बात है, यहाँ पे अपना हो रहा है रिडक्शन। तो मैं आपसे अगर बात करूं कि जो अपना एच प्लस है और जो अपना सोडियम मेटल है, सोडियम आयन है, या ये जो एच प्लस है, दोनों का अगर मैं आपको रिडक्शन पोटेंशियल दे देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है तो वो है -2.71, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन तो वो जो है रेफरेंस माना गया है। तो सवाल ये है, दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, पहले आप ये बताओ मेरे को। एक का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 है, एक का जो है वो 0 है, तो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा दोनों में से, क्या लगता है? हाँ, ऊपर वाला होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। चलो पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब, क्योंकि जो सोडियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और हमने समझा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बहुत सही बात है। अब देखो यहाँ पे गेम क्या खेलना है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो दूसरे का करवाता है रिडक्शन, और खुद का क्या करवाएगा? ऑक्सीडेशन। समझ रहे ना बात को? जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दूसरे का करवाता है रिडक्शन और खुद का करवाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन फास्ट हो जाएगा, तो मैं ऐसे बोल सकता, जो सोडियम आयन उसका रिडक्शन जो है वो देर में होगा। देखो थोड़ा वो आसान तरीके से समझाता हूँ, अभी आएगा। आप क्या करो, इनका रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है, इनको ना साइन चेंज कर दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में ले आओ, तो आपको जो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, इसका साइन चेंज कर देंगे, और इसका तो 0 का तो 0 क्या ही होगा, तो ये हो गया इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या है, अपनी रिएक्शन भी जो है वो रिवर्स हो जाएगी, बेसिकली समझने में दिक्कत होगी, ऐसे ही रहने दो, रिएक्शन रिवर्स कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी समझने में। एक बार फिर समझना थोड़ा ध्यान से, कि जो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद का करवाता है ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो खुद का करवाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरे का करवाएगा रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही यही होता है, दूसरे का करवाएगा वो रिडक्शन। आप ये देखो, इन दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है सोडियम, आप लोगों ने बताया मेरे को, बिल्कुल सही है, सोडियम जो है वो बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सोडियम जो है अगर बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो अपना ऑक्सीडेशन क्या करवाएगा, इसके कंपैरिजन में जल्दी करवाएगा, ऑक्सीडेशन जल्दी करवाएगा, इसका मतलब खुद का रिडक्शन क्या करवाएगा, देर में करवाएगा। थोड़ी सी होच पोच है बातें, मतलब समझने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से सुनना, एक बार आएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका काम होता है दूसरे का करवाना रिडक्शन, खुद का करवाना ऑक्सीडेशन। अब आप मेरे को ये बता रहे हो दोनों में से बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट कौन? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला जो है दूसरे का रिडक्शन क्या करवाएगा? फास्ट करवाएगा। दूसरे का रिडक्शन फास्ट करवाएगा तो खुद का ऑक्सीडेशन क्या करवाएगा? फास्ट करवाएगा। खुद का ऑक्सीडेशन फास्ट करवाएगा तो खुद का रिडक्शन क्या करवाएगा? बेकार करवाएगा। और यहाँ पे जो है दोनों रिएक्शन कैसी है? रिडक्शन की है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो। हाँ, अरे तो मैं समझा